हेलो लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्व्स एंड स्टाइल्स। मैं हूँ मिली और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SFR की ये तीन पैलेट्स। जी हाँ, मैंने ये पैलेट्स जो हैं फ्लिपकार्ट से ली हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अफोर्डेबल, कुछ मेड इन इंडिया, कुछ अच्छा और बहुत अच्छा, आप सबसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनके स्वाचेस देखते हैं। लेकिन स्वाचेस देखने से पहले प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो कर लें, और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली पैलेट है ये वाली, ये है SFR गोइंग कोकोनट्स, और इसको मैंने 300 रुपीज़ में ख़रीदा था। इसके ऊपर ये देखिए, इस तरह से ये एक शील आती है और ये काफ़ी हद तक मुझे कलर पॉप जैसी कुछ ड्यूब्स लग रहे हैं। मैंने ट्राई नहीं किया है कलर पॉप, बट मैंने देखा है इसी टाइप की कुछ पैलेट्स होती हैं वो भी। और ये जो है ये काफ़ी न्यूडी से शेड्स हैं, आप ये देख सकते हो, ये काफ़ी न्यूड शेड्स हैं। और अगर आप कुछ सटल सा मेकअप चाह रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा आप नहीं चाह रहे हो कि आईज पे नज़र आए, एंड जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी है वो है ये मिरर, आप मेकअप करते हो देख सकते हो, है ना। तो इसके स्वैचेस देखते हैं हम। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा न्यू शेड्स हैं, और इसमें कुछ शेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हल्के हैं देखने में, लेकिन उनका पिगमेंटेशन, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पिगमेंटेड चाहती हैं, कुछ न्यू शेड्स खरीदना चाहती हैं, ट्राई करना चाहती हैं, तो आपको ये वाला पैलेट बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो है इसकी शेल्फ़ लाइफ। जी हाँ, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 08/2020 और एक्सपायरी डेट है 08/2025। मीन्स आपके पास 5 साल हैं इन पैलेट्स को यूज़ करने के लिए, व्हाट एल्स यू नीड। तो ये हमारी हो गई गोइंग कोकोनट्स। नंबर सेकंड है ये इट्स माय प्लेजर। जी हाँ, इसके अंदर जितने भी शेड्स हैं वो हैं काफ़ी पर्पलिश मॉवी शेड्स और इस टाइप के जो मतलब मुझे इनका जो ये वाला शेड है ना, ये बहुत बढ़िया लगा है। और मैं इनके स्वैचेस दिखाती हूँ आपको। ये है स्वैचेस, आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा सुंदर शेड्स हैं और इतने ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। आई रियली लव दिस। बिलीव मी, 300 रुपीज़ में ये इससे अच्छा पैलेट नहीं मिल सकता है। आपको अगर मेकअप सीखना है या अगर आप प्रोफेशनल भी हैं तो भी इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इनके फॉलोआउट्स भी फॉलोआउट के बराबर थे। तो ये हो गया हमारा इट्स माय प्लेजर। थर्ड मैं लेके आई हूँ ब्लूबेरी पॉपुलर। जी हाँ, आज का जो मेकअप लुक है मैंने इसी से अचीव किया है, और अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहती हैं अभी आपको वो मैं मेकअप लुक भी दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप इसके स्वैचेस देखिए, ये हैं इसके स्वैचेस। सो ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये पैलेट, और अफोर्डेबल येट गुड। एंड अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं हमने ये वाला मेकअप इस वाली पैलेट से कैसे किया है आई मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेलो, स्टार्ट करेंगे हम अपना मेकअप। ये ब्लूबेरी आई शेडो पैलेट लेंगे, और अब हम अपना लाइटर्स जो इसमें कलर था उससे हमने अपना ट्रांजिशन सेट किया है, और उसमें डार्क शेड डालकर हम अपने जो आउटर वी को डेप्थ देते जाएंगे और इस तरह से ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर दिस आई मेकअप लुक। और अब ये पर्पल आई शेडो लेकर मैं सारी की सारी हार्श लाइन को डिफ्यूज़ कर दूँगी अच्छे से ब्लेंड करके, और अब मैं ये कफ्स एंड लैशेस का वाइट कलर का ये कवर पॉट आता है इससे मैं कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज करने से जब आप वाइट आई शेडो के ऊपर कलर फुल मेकअप करते हो तो बहुत अच्छे से इन्हांस होता है। अब ये मैं सेंटर ऑफ द आई लिड ब्लू कलर लगा लूँगी, जो आई शेडो पैलेट में जो शिमरी ब्लू कलर है वो, और अब उसको मैं सारे कलर्स जो
सामने की तरफ मैंने जो लाइटर शेड लगाया है उसके साथ मैं इस ब्लू को अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, ब्लेंड करती जाऊंगी, सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना रहे। आप उंगली की हेल्प से भी कर सकते हो। इस तरह से ये एक इफेक्ट आ जाएगा। और अब मैं ये कलोसल का काजल लूंगी और इससे मैं अपनी वाटर लाइन को फिल कर लूंगी। थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा लेंगे ऊपर की लैश लाइन में भी। और अब मैं ये फेसेस कैनेडा की ब्लू कलर की आई पेंसिल लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे जो है ये लगा दूंगी और अपना एक थोड़ा सा विंगी सा इफेक्ट दूंगी लैश लाइन के ऊपर भी लगा के। और इसे मैं उन्हीं कलर्स के साथ ब्लेंड कर दूंगी जो मैंने ट्रांजिशन में लगाए थे। ब्लेंडिंग इज द की, ब्लेंड करते जाइए बस। अब मैं ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा लूंगी और अच्छे से अपनी लैशेस को कोट दूंगी, लोअर लैशेस पे भी कोट दे देंगे। अब मैं ये कैलेलेस की आई लैशेस लगा लूंगी आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। लैशेस लगाने से आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक्स भी देख सकते हैं इन सब आई शेडोज पैलेट्स के। और अब मैं ये अपना ब्रो बोन हाईलाइट कर लूँगी और इनर कॉर्नर हाईलाइट कर लूँगी और मेकअप लुक कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छा लगा है। और अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी SFR की आई शेडो पैलेट्स जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और ये मेकअप लुक आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मैं आपको सबसे पहले दिखूँ। तो अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।